डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, जहां से एक ऐसे सरपंच उम्मीदवार है जो अपना नाम है वो समाज सेवी के नाम में है। कमाल खान जी, आपका डीपीके न्यूज में हार्दिक स्वागत। हाँ जी, आ रहा है कि आप निरंतर समाज सेवी के रूप में यहाँ के लोगों में आपने किए। जो भी काम हुए समाज का, धार्मिक का, उसमें मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ, हर जगह पहुँचता हूँ। मैं तन मन धन से ईमानदारी से काम करता हूँ। बच्चा जन्मता है वहाँ से लेकर वो आखिरी 100 वर्ष का हो जाता है, जिस हिसाब से मैं रात तक कब्रिस्तान शमशान तक आगे साथ रहता हूँ मैं दिल से। और समाज में मैं सबसे आगे रहता हूँ समाज सेवा में। कृष्ण योग हमारा धर्म मुसलमान का या दूसरे धर्म हो, दोनों धर्म में पूरा ईमानदारी से तन मन से मैं सहयोग करता हूँ। ब्याह हो, शादी हो, खाना हो, मृत्यु काम में शमशान का हो, कब्रिस्तान का हो, उसमें 24 घंटा तन मन ईमानदारी हूँ। मैं देखते नहीं हूँ कि वो अपने बनती का है कि नहीं बनती है, किसी को आज तक महसूस नहीं हो दिया मैंने। यहाँ की बालिकाएं हैं वो शिक्षा में आगे बढ़े। शिक्षा में तो दिन में एक बार तो स्कूल से संपर्क करके जाते हैं, फिर भी लड़के लड़कियों में जो कि उनकी व्यवस्था में या उनकी पढ़ाई में जो चीज़ की ज़रूरत रही उसकी हर जगह मैं देखभाल करूँगा। पानी बिल्कुल व्यस्त के हर ज्यादा वास, बाकी उनके लिए 24 घंटे ध्यान रखता हूँ स्कूल के बारे में। क्या उसे अटक प्रयास करोगे जिससे खेल में तो देखो खेते कोई उसको दुर्घटना का वगैरह का ऐसा सड़क पर होता है तो कुछ शंका रहता है, शंका वो बिल्कुल नहीं रहेगी, नहीं रहती है। और कहाँ का लड़का हो, किसका, सबको मान से खिलाने सहयोग करते हैं। और कोई जाति को काफ़ी को खिला दिया, कहीं को नौकरी भी लगा दिया। मेरे छोटे भाई मुंशिका जी पीटीआई जो राजस्थान कोच है, उनको हमारी ज़मीन कितनी वो भी पता नहीं है, सिर्फ खेल में ही ध्यान रखते हैं। लड़के कहाँ हैं, पढ़ो और खेलो भाई, 24 घंटा ये लग रहते हैं हमारे। लेकिन उन योजनाओं को आम लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए, आम लोगों तक पहुंचे। आप ऐसा क्या प्रस्ताव से योजना है वो सही लाभार्थी को मिले? देखो उस बारे में तो मैं ऐसा सोच है मेरे का,
मेरे को सरपंच बनने की कोई जरूरत नहीं है, 24 घंटा ही आओ कमाल साहब, आओ कमाल साहब हो रहा है। अगर 5 किलो का प्रसाद या सीनी होती है तो भी मेरे को पहले उस घर में प्रवेश बुलाते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ गई, ये लोग जो गरीबों का हिस्सा आता है उसको पंचायत से आदि योजना को तो वहीं ख़त्म कर देते हैं। बाकी सरकार की मंशा है कि सरकार गरीबों के हर घर तक पहुँचाए, दरबार तक पहुँचाए। आगे सरपंच का अधिकार के वो उसके घर में बांट दे, सरपंच उसमें उसके घर में नहीं बांट के वहाँ से ही बाहर निकल जाता है, उसके योजना को बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए मेरे को मजबूर होने के हो गया कि भाई सरपंच बन के बाद दूसरी सेवा करें और इनको पता दिखा दें, ऐसे दिखावे कि सरपंच ऐसा कार्य नहीं करता है, ऐसा करता है, ये सरपंच नहीं होता है, सरपंच ये होता है। जगह जगह यादा हो जाती है उनकी कि ये फलाने सरपंच का ये विकास कार्य करवाया, फलाने सरपंच का विकास कार्य है। इसके मायने मैं तन मन धन से, मेरी ज़मीन से, कुछ भी है कैसे भी उसमें सहयोग करके, कहाँ का लड़का हो किसका, सबको मान से खिलाने सहयोग करते हैं। और कोई जाति को काफ़ी को खिला दिया, कहीं को नौकरी भी लगा दिया। मेरे छोटे भाई मुंशिका जी पीटीआई जो राजस्थान कोच है, उनको हमारी ज़मीन कितनी है वो भी पता नहीं है, सिर्फ खेल में ही ध्यान रखते हैं। लड़के कहाँ हैं, पढ़ो और खेलो भाई, 24 घंटा ये लगे रहते हैं। हमारे लेकिन उन योजनाओं को आम लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए, आम लोगों तक पहुंचे। आप ऐसा क्या प्रस्ताव से योजना है वो सही लाभार्थी को मिले? देखो उस बारे में तो मैं ऐसा सोच है मेरे का, मेरे को सरपंच बनने कोई ज़रूरत नहीं है, 24 घंटा ही आओ कमाल साहब हो रहा है। अगर 5 किलो का प्रसाद या सीनी होती है तो भी मेरे को पहले उस घर में प्रवेश बुलाते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ गई, ये लोग जो गरीबों का हिस्सा आता है उसको पंचायत से आदि योजना को तो वहीं ख़त्म कर देते हैं। बाकी सरकार की मंशा है कि सरकार गरीबों के हर घर तक पहुँचाए, दरबार तक पहुँचाए। आगे सरपंच का अधिकार है कि वो उसके घर में बांट दे, सरपंच उसमें उसके घर में नहीं बांट के वहाँ से ही बाहर निकल जाता है, उसके योजना को बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए मेरे को मजबूर होने के हो गया कि भाई सरपंच बन के बाद दूसरी सेवा करें और इनको पता दिखा दें, ऐसे दिखावे कि सरपंच ऐसा कार्य नहीं करता है, ऐसा करता है, ये सरपंच नहीं होता है, सरपंच ये होता है। जगह जगह यादा हो जाती है उनकी कि ये फलाने सरपंच का ये विकास कार्य करवाया, फलाने सरपंच का विकास कार्य है। इसके मायने मैं तन मन धन से, मेरी ज़मीन से, कुछ भी कैसे भी उसमें सहयोग करके पूरा सहयोग करूँगा। हमारे साथ थे गुनगुन ग्राम कमाल खान जी।